महाराज की जरूर रणवीर सिंह का प्रणाम। लेकिन अब तो इस बात की है, किस बात की? महारानी के कोख से कोई औलाद पैदा नहीं हुई। आखिर ये रास्ता कौन संभालेगा, प्रजा की सेवा कौन करेगा, हमारे महल में दीपक कौन जलाएगा? राशि का कारण ये मालिक, आप क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई औलाद नहीं? नहीं। अरे मालिक, मैं तो सोचा था कि आपके पास कोई औलाद होगी तो मेरा भी गुजारा इस महल में हो जाएगा, मरने के बाद कंधा देने वाला कोई होगा। लेकिन मालिक, जिस वेदना में आप हैं उसी वेदना में तो मैं भी हूँ। क्या मंजीवर, मेरे भी पास कोई औलाद नहीं है मालिक। अफसोस, अफसोस की बात है मंजीवर। मैंने तो सोचा कि मेरे पास कोई औलाद नहीं, अगर मंजी के पास कोई औलाद होगा तो मैं उसे देख करके सब्र करूंगा। लेकिन तुम भी कह रहे हो कि मेरे पास भी कोई औलाद नहीं। हाँ मालिक, तुम्हारे पास ना है? नहीं राजपाल, राम लगन जोड़ी एगो अनहर एगो कूर। क्या बोला राम जी? अरे तगड़ा लगा, ये इतना लड़का भाई बार बार बेवकूफ कहीं का, इसमें आया कोई कौन है? उना एक तरह के दूसरे के बेटी बेटा के मरले वालों तब तो दोनों के लड़का ना आ रहा क्या भाई जी? बैठिए तो कहा ना बैठिए तो कहा कर लिए राय बात चाहते हो बड़ा कर रहे हो जिसके पास और आप नहीं रहते, बच्चा नहीं रहते, उसे लोग जानते हो क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? बाज कहते हैं, निसंतान कहते हैं, निपुत्री कहते हैं। निसंतान कहे ना लोग, निपुत्री या बाज। हाँ तो दोनों जाने बाज जा रहा केवल भी धोखे हुए। अरे डल्ला ये बताओ, इसी राज में तुम दे जाते हो, तुमसे अच्छा पारखी कौन है बताओ? कौन बाज है कौन गिद्ध है? वो छोड़ा हो तो के वो बता दे, वो ललका गिद्ध हो तो उधर का बाज। अच्छा मैं बाज हूँ, लेकिन नजार के भी बताओ, इस रात में तुम भी रहते हो ना? हाँ। इस रात के तुम क्या हो? हम कहा है क्या हो इस रात? हम चिलोर। चिलोर? अच्छा ये बताओ, चिलोर बनकर करोगे क्या? कूल बताएंगे, वही बताना पड़ेगा। तो लोग लड़का जन्नार खेलने के भाग गया मालिक। अगर आप लोग के पास हम लोग का लड़का होगा ये 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 तो मोरे कौन जरूरत है? मोरे लड़का कहाँ जरूरत है? नल्ला वो तो मुर्गी फार्म खोल रही गोला। अरे महारानी का लड़का होगा तो लार खेलने के उड़ेगा। तेरे गाड़ी पास खेलवा लो, क्या तुम तो रुपया लगा लो भाई। अरे गुस्ता की बात हो तो एक बात कहो। कहो क्या कहना चाहते हो भाई? मैं देख रहा हूँ आपके बगीचे में कई रोज से एक महात्मा जी आए हैं, आप उन्हें बुलाइए और बुलाकर अपने हाथ की रेखा दिखाइए।
अपने हाथ के लिए खाली करूंगा। आटो बेवकूफ वाले मेरे सामने। महाराज एक राजा आ गया है। राजा मतलब वो साफ सुथरा कहीं चेक करते नहीं भी जगह में जाओ जाओ हटो यहाँ जो महात्मा जी मिले थे बगीचे में पीपल के नीचे। अच्छा अच्छा उन्हें बुला करके लाओ। पियता बाबा सही है। ए बाबा अरे बचावा भक्त जी क्या बात है भाई बचावा भक्त मुझे ये तो बढ़िया है भाई बचावा बना रहे हैं बताओ कब बचावा नहीं ये तो कैसे बुलाए तीन दिन बचावा पर जरा कैसे बुलाए अरे बाबा आपका नाम तो ले बचावा। अच्छा सबसे बुलाए लगा बुला कर लाओ फिर सुबह कर भी गए थे कि नहीं। नहीं तो जाओ करीब से बुला लो। ए पापा का हो बेटा अब क्या हुआ पता पैदा कर दे अब बताओ उनका बेटा आई बेटा बोला है बेटा है मेरे बाल अरे बाल बाल बेटा बचा है की बात है पैदा कर दिया के हूँ माँ बाप बोला तो बोला बेटा कोई गरीब बेटा बने हमके अरे साधु आत्मा है वो तो मान बेटा बचवा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बेटी आप क्या कहेंगे बताओ बेटा बने। अच्छा एक बार और जाओ करीने गए थे क्या बोला लेकिन आप पास इधर आओ फोन नहीं देखे थे कि छोट बच्चा बुला रहा है या कोई बड़ा बुला रहा है तुमने ना बोला नहीं तुमने अरे मला ये उगाड़ कर दिखा दो। अच्छा तुमने ओके हाँ मैं बच्चा ले लो आकर खोल देता नहीं मारे ले जाओ। ए ये बाबा लाल लाल का तुम हो लाल बनाओ था फिर कहें ले करिया ए उज्जा अरे पागल पागल बहुत अच्छे सबसे तुम्हें पुकार रहे हैं पागल। अच्छा एक बात पूछूंगा और बाल सुबह में सूरज उठता है तो कैसा लगता है लाल हाँ लाल लग रहा शाम को डूबने से पहले कैसे लगता है तो लाल लग रहा लाल हाँ। और किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा होता है उसे लोग क्या प्यार से कहते हैं कि फलाना के घर में लड़का लाल हुआ है तो लाल है ना लोग हाँ वो लाल है वही लाल तो पगला है क्या।